आमतौर पर लोगों के लिए कील ठोकना भी मुश्किल होता है, लेकिन 70 वर्षीय शौकत की लकड़ियों से गहरी दोस्ती है। शौकत उत्तर प्रदेश के अमरोहा से संबंध रखती हैं, जो कि अमरोहा के एक छोटे से कस्बे सैदनगली में रहने वाले कलाकार हैं। वह लकड़ी पर लोगों के चेहरे उकेरने के लिए पूरे कस्बे और क्षेत्र में जाने जाते हैं। शौकत के मुताबिक पहले वह दिल्ली में नौकरी करते थे, उनकी दिल्ली में एक दुकान थी, वहां वह लकड़ी के फर्नीचर के शोपीस बनाते थे। इसके बाद उन्होंने लकड़ी पर लोगों के चेहरे तराशना शुरू किया। शौकत ने पहले इस कला की शुरुआत कागज, फिर मिट्टी, पत्थर पर पेंटिंग से की और अब वह लकड़ी पर लोगों के चेहरे बना रही हैं। अभी फिलहाल शौकत के पास लगभग एक साल का ऑर्डर है और उनके पास समय भी नहीं है। मैं ये मूर्तिकारी का काम करता हूँ जो फर्नीचर में इस्तेमाल होती है ज़्यादातर। अच्छा, तो किस तरीके की मूर्तियाँ आप बनाते हैं? वैसे स्टैचू, वैसे शोपीस, ये सब बनाता हूँ। अच्छा, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई आपकी? इसकी शुरुआत हुई, बचपन का शौक था, मैं पहले मिट्टी के बनाता था, फिर वैसे लकीर कापी पर बनानी शुरू कर दी। हाँ। कापी पे बना दे, फिर मैं ब्लैक एंड वाइट कलर में आ गया। और कलर में आने के बाद फिर मैंने उसको आर्ट का वो दे दिया, कलर का, तो मैं फ़ोटो बनाने लगा। फ़ोटो बनाने के बाद जब काफ़ी दिन तक बनाने लगा, मैंने कार्बिन का काम सीखा, तो लकड़ी के बेल बूटे का काम। जब मैं बेल बूटे का काम करने लगा तो फिर मैंने सोचा कि मेरा शौक ये चलता रहा पेंटिंग बनाने का, लोग ऑर्डर देते, पेंटिंग भी बनाता था मैं, तो उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ नया करूं और मैं इस आर्ट को अपने उसमें लाऊं, लकड़ी में, जो क्या फेस मिलाना जिसको कहते हैं, सेम बनाना किसी भी चीज़ को सामने की, तो वो मैंने वो किया। तो ये मैंने सन 86 से एक फैक्ट्री थी दिल्ली में, तो वहाँ मैंने शुरुआत की। फिर बहुत दिन तक बाज बनाए, पहले बाजों का बहुत वो था, वो एक्सपोर्ट होते थे। उसके बाद लेडीज़ और बच्चों का, ये हर तरह की जो सामने आया वो बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद से कैटलागों में आने लगा। जब कैटलागों में आने लगा तो कैटलाग में जो लोग देखते और मुझसे वो बनवा लेते थे। उन्होंने अपनी इस कला को अमीरों की बजाय आम आदमी तक पहुंचाया है। पहले लोग लकड़ी की एक मूर्ति या चेहरा बनाने के लिए लाखों रुपए लेते थे, अब वह महज कुछ हजार रुपए में अपने औजारों की मदद से लोगों के चेहरे लकड़ी पर उकेर सकते हैं। जब मैंने शुरुआत किया, मैंने ये सोच के किया कि इस काम को मैं, पहले अरबपतियों में होता था, खरबपतियों में होता था, मैंने ये सोच के किया ताकि आम आदमी की पहुंच तक हो जाए, और वो आज मौजूद है। आम आदमी की शादी की, कुएं की शादी जो होती है यहीं पे, तो जो मैं 5000 में बनाता था वो मैंने उसको 2200 में बना के दे दी। तो अब इस कला को आम आदमी की पहुंच में आप देना चाहते हैं? दिया है मैंने और दे रहे हैं। हाँ, दे रहा हूँ।